जिन बाइक्स का पिछला टायर बाहर की तरफ होता है उनमें एक अलग सा एक लुक होता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है बारिश में ये कीचड़ बहुत उड़ाती है। जैसा कि मैंने अपने सारे वीडियोस में कहा है कि अगर शौक है तो एक जज्बा है इंसान में, और वो जज्बा इंसान को बुड्ढा नहीं होने देता। तो यही है एक हमारे सामने चलता फिरता हुआ शौक। अगर मैं इस पे बैठ के दिखाऊं तो इंटरसेप्टर को कुछ ऐसा सा बना दिया है कि इसका कायाकल्प ही हो गया। इसको बोलते हैं शौक। दोस्तों, इस शो का नाम है किंग्स राइड शो, और मैं इस शो में कुछ ऐसी मशीन्स दिखाता हूं जो लोगों ने अपने दिल से बनाई होती है। और जब कोई दिल से कोई काम करता है तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत उसके जो नतीजे होते हैं वो आते हैं। और सीरियसली बता रहा हूँ, दिल बहुत खुश होता है जब भी मैं कोई ऐसी क्रिएशन देखता हूँ जिसको बंदे ने खुद अपने हाथों से बनाया हो। तो मेरे साथ हैं इस बाइक के ऑनर और उनका नाम है बाबर। मैं बाबर भाई से आप सबको मिलवाना चाहता हूँ। तो ये हैं हमारे बाबर भाई, जिनकी क्रिएशन है ये। ये देखो खूबसूरती, देखो इस चीज़ में। बाबर अभी पढ़ते हैं, और बाबर ने पढ़ने के साथ में इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, इतना पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया है। और ये दोनों चीज़ें वही लोग कर सकते हैं जिनको शौक होता है। तो बाबर, ये बताइएगा कि आपने इस बाइक की शुरुआत कैसे की थी, और क्या सोचा था जब आपके पास पहले आपने इंटरसेप्टर ली थी कि मैं इसको क्या बनाऊंगा और कैसे बनाऊंगा? जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो इंस्टाग्राम पे आई वॉज स्क्रोलिंग वन डे, तो मैंने देखी ट्रायम्फ की कैफे रेसर। उसके बाद मेरे पास भी, क्योंकि कैफे रेसर थी ओल्ड स्कूल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी वाली को कन्वर्ट कर दी जाए उसमें। तो मैंने एक फ्रेंड की पोस्ट देखी जिसने अपनी बाइक में ये वाली फेयरिंग लगा रखी थी, तो मैंने उनसे उनके टच में आया, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे लिए भी वाली फेयरिंग मंगा देंगे। तो फिर मेरी उनसे बात हुई, लॉकडाउन में चलती रही। फिर जब जैसे लॉकडाउन ख़त्म होने को आया तो मैंने वाली फेयरिंग उनसे कैसे बहुत मुश्किल से अरेंज करवाई। उसके बाद फिर काम शुरू हुआ, धीरे धीरे सारे पार्ट्स हमने ऑर्डर करने शुरू करे, और फिर लॉकडाउन जब ख़त्म हो गया था तो उसके बाद हमने असेंबली शुरू करी पूरी बाइक की। ओके, तो ये है भाई की कहानी। और लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, करी हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा भी किया है जो कि वो कभी नहीं करते थे। तो यही है इनकी कहानी। अच्छा, वैसे आप पढ़ते हैं और क्या आप पढ़ते हैं? मैंने अभी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से BBA कंप्लीट करा है अपना। तो BBA कंप्लीट किया है अभी, और लॉकडाउन के अंदर ये क्रिएशन बनाई। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रही है क्योंकि बंदे ने खुद ही सारा काम किया है। अगर एक एक करके चीज़ को देखें तो ये जो फेयरिंग जो आगे लगा रखी है ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है, और ये फाइबर ग्लास की फेयरिंग है, बट इसको मेटल का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वेट बढ़ जाएगा और पावर टू वेट रेशो बिगड़ जाएगा। पढ़ाई करते करते लॉकडाउन में जो ख्याल आया, तो मेरे को तुम्हारा ख्याल बहुत पसंद आ रहा है। अब एक एक करके बताओ, ये जो फेयरिंग है ये इसमें लगा रखी है, मैं जहाँ तक कि देख रहा हूँ ये जो क्लिप ऑन हैंडल्स हैं ये लगा रखे हैं, तो इसके अंदर क्या क्या लगा रखा है? तो जैसा आपने दो चीज़ तो नोटिस कर ली, उसके बाद हमने पूरे इंजन को पाउडर कोट कर रखा है। तो पाउडर कोट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने वो उसकी जगह हमने इसको हीट प्रोटेक्शन पेंट इस पर करा पूरे इंजन पे। देन आप देख सकते हैं इसमें पूरा इसके कस्टम एग्जॉस्ट है पीछे, फिर जो उसके बेंड पाइप जा रहा है इस पर पूरा हीट प्रोटेक्शन ये रैप आता है, वो दोनों साइड कर रखा है। अच्छा, बीच में मैं रुकना चाहता हूँ, मेरी नज़र पड़ी एक चीज़ पे, वो है कि भाई शॉर्ट सीट। तो गर्लफ्रेंड नहीं गया बाबर? सीरियसली पीछे का जो एरिया है ये ट्रिम किया हुआ आपने, तो ये कैसे किया और कहाँ चॉप किया, क्या आइडिया था? वैसे ये आइडिया नया नहीं है, काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, लेकिन खुद करना एक बड़ी बात है। हमारे एक सीनियर फ्रेंड है, उनके घर पे उनका खुद का काम भी है, तो हम लॉकडाउन में उनके टच में आया और उनके वर्कशॉप में ही हमने ये सब काम वहीं करा, धीरे धीरे चॉप करी, फिर ये लाइट मंगवाई, फिर इसकी असेंबली करके इसको पूरा पेंट जॉब डन हुई। उसके बाद ये सीट मंगाई क्योंकि ये इंटरसेप्टर है बेसिकली, और इसमें ये सीट GT की सीट आई, फिर काउल, फिर एंड सो ऑन, जैसा आप देख सकते हैं। शॉर्टी टेल बनाने के बाद इस बाइक का जो लुक है वो और ज़्यादा इनहेंस हो गया क्योंकि टायर पीछे से बाहर की तरफ आ गया, और जिन बाइक्स का टायर पीछे की तरफ से बाहर की तरफ आता है ना, उनका लुक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। तो जिन बाइक्स का पिछला टायर बाहर की तरफ होता है उनमें एक अलग सा एक लुक होता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि बारिश में ये कीचड़ बहुत उड़ाती है, और जब आप इसको राइड कर रहे होंगे तो आपकी जो बैक होगी वो पूरी पूरी मड से भर जाएगी। लेकिन जब तक बारिश नहीं है
तब तक ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। बारिश में लोग इस यहाँ पे एक मड फ्लैप, एक टायर हगड़ लगा लेते हैं उस चीज़ से बचने के लिए। और जो ये पिछली वाली जो टेल मैं देख पा रहा हूँ, ये टेल जो है ऐसे करके कर्व, ये तो कंपनी से ही मिलता है ये वाला जो पोर्शन है, लेकिन बीच का जो ये जो पाइप है नीचे वाला, ये खुद बनाना, इसको यहाँ से ग्राइंडर से काटना, फिर इसको वेल्ड करवाना, फिर इसको स्मूथ करवाना, ये वाला कट भी खुद बनाना ग्राइंडर से, और कितना प्रीशियस काम है देख रहे हो। अगर हमने हल्का सा इसको ऊपर नीचे कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। फिर इसी के ही अकॉर्डिंग के इंडिकेटर्स ढूंढ के लगाना, नंबर प्लेट्स साइड माउंटेड, और फिर इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतना सारा काटने के बाद, ये सीट का जो ये जो टेक्सचर है, ये जो कवर है, ये भी कस्टम मेड है ना। बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि ब्लैक कलर की बाइक थी तो ब्लैक कलर का ही लगाना चाहिए था, लेकिन अगर ब्लैक ही कलर का लगा देते हैं सीट कवर तो उसमें कंट्रास्ट क्रिएट होता ही नहीं, और अगर कंट्रास्ट क्रिएट नहीं होगा तो फिर चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अच्छी लगनी चाहिए। अब अगर मैं इस पर बैठ के दिखाता हूँ तो ये जो मेरा स्टांस जो बनेगा इस पर, ये बहुत ही एग्रेसिव बनेगा, बहुत एग्रेसिव सीरियसली। इन हैंडल्स बार्स की वजह से, इसकी वजह से, फेयरिंग की वजह से, और ये जो बार एंड मिरर्स लगे हुए हैं इनकी वजह से, तो मुझे अच्छा लगता है और खुशी भी होती है ऐसी बाइक्स, ऐसे लोगों से आप लोगों को मिलवाना जो कि अपना टाइम, अपना मेहनत का पैसा, अपना कीमती टाइम अपने शौक में लगाते हैं। और जब हम ऐसे काम करते रहते हैं अपनी लाइफ में, तो किसी एक बहुत ही अच्छे इंसान ने कहा है कि आप बहुत जल्दी बुढ़े नहीं होते, आपका सिर्फ शरीर बुढ़ा होता है लेकिन दिमाग हमेशा ही जवान रहता है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बैंड पाइप पे रैप्स चढ़े हुए हैं, जो साइलेंसर रैप जिनको हम बोलते हैं, एग्जॉस्ट हैं, एग्जॉस्ट नोट मैं सुनाऊँगा थोड़ी देर बाद। अच्छा बाबर भाई, लुक तो बहुत अच्छा बना लिया, बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है और खूबसूरत लग रही है बाइक बहुत ज़्यादा। इसमें परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट क्या की? परफॉर्मेंस के लिए हमने इसमें अभी एज ऑफ नाउ तो दो ही अपग्रेड कर रखे हैं। एक तो आता है इसका एयर फिल्टर जो हमने BMC का डाल रखा है इसमें, दूसरा सेकंड पार्ट जो हमने कर रखा है वो है फ्रंट स्प्रॉकेट, जो कंपनी से फ्रंट स्प्रॉकेट आता है वो आता है 15 टूथ वाला, हमने इसमें डाल रखा है 14, जिससे इसके एक्सेलरेशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन उससे टॉप स्पीड थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, हाँ जी बहुत मिनिमल। तो ये था दोस्तों किंग्स राइड शो, जिसमें मैं दिखाता हूँ उन लोगों को जो कि दिल से बाइकर हैं और अपने हाथ से कुछ बनाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसमें इस शो के अंदर आना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल ज़रूर देखिएगा। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।